नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं अपना लाइव न्यूज। हम अभी नगर निगम बेगूसराय के इकवालिया कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में हैं। अलवालिया कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में हैं। यहां के जो वार्डर हैं उनसे हम वाकिफ करवाएंगे, ये अपने स्तर से यहां इस अपने गांव में क्या विकास किए हैं, इनका शिक्षा व्यवस्था यहाँ की क्या है, इनसे हम वाकिफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैडम। आप अपना परिचय बताएंगे। मैं संजन देवी, वार्ड नंबर 8 नगर निगम बेगूसराय की वार्ड पार्षद हूँ जी। ये बताएंगे सबसे पहले आपके वार्ड में जो स्कूल है उसका शिक्षा स्तर कैसा है? बहुत ही अच्छा है और अभी और पहले से बहुत बेहतर हो गया है, क्योंकि मेरे रीजन से पहले जो है बहुत पुराना स्कूल था और अभी पिछले साल से नया स्कूल का भवन निर्माण भी हो गया और वहाँ का जो है पढ़ाई का भी जो व्यवस्था सही अच्छे ढंग से है। स्कूल में टीचर अवेलेबल है? हाँ, 18 टीचर हैं। आपके क्षेत्र में कितना स्कूल है? 2 स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल मकतब मदरसा स्कूल है। ठीक है, ये जो मध्यान्ह भोजन जो होता है उसके बारे में क्या कहना है? भोजन तो अभी ठीक ठाक मिल रहा है बच्चा सबको, बच्चा सब खाने से संतुष्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल विजिट आप कभी किए हैं? हाँ, बहुत बार किए हैं, कई बार गए हैं इधर, इधर पिछले सप्ते 15 अगस्त को भी गए हैं। ये बताइए आपके क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है, कितना आंगनबाड़ी केंद्र है? 5 आंगनबाड़ी केंद्र है। 5ों का स्थिति कैसा है? एक का थोड़ा शिकायत आता है जो कि वो आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 118 है। क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें है बच्चा सब शिकायत करता है कि सही ढंग से जो है वहाँ जो मिलता है भोजन THR मिलता है बच्चा सब, वो सब नहीं मिल पा रहा है। और उनका गार्जियन का भी कहना है कि कुछ शिकायत है वहाँ का, कई बार हम CDPO मैडम को भी बोल चुके हैं लेकिन अभी उन पर कुछ कभी घुर की आए नहीं केंद्र पे, मतलब सुनवाई कभी नहीं होता। नहीं हुआ। तो आप तो विजिट करने गए होंगे? हाँ, कई बार गए हैं, वहाँ पर उपस्थिति रजिस्टर में भी अपना जो कंप्लेन मेरा था वो लिख दिए हैं, वहाँ कंप्लेन में दर्ज है, रजिस्टर जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें दर्ज है। चलिए, बहुत अच्छा। ये मैडम बताइए आपके जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में नल जल योजना के बारे में क्या कहना? नल जल योजना अभी पिछले चालू है जो कि कई वार्ड नंबर 11 हो गया उधर से अभी स्टार्ट हुआ है, अभी वार्ड नंबर 8 में नहीं आया लेकिन योजना तो है कि नल जल का काम स्टार्ट है, कार्यरत है वो। हाँ, कार्यरत। ठीक है, तो यहाँ आपके क्षेत्र में जो सड़क है नली गली का, वो सड़क सब जगह ढलाई हो गया है या बचा हुआ भी है? नहीं, नली गली का पूरा कंप्लीट हो गया है और 14वीं वित्त से जो है उसमें भी बहुत सारा काम हुआ है और नया बहुत सारा योजना आने वाला है, करीब करीब 1.5 करोड़ का जो है काम, 1 करोड़ से ऊपर का काम हो गया है और जो है टेंडर में गया है। मैडम यहाँ देखा ये जा रहा जो बगल में सड़क है उसमें ईंट का सोलिंग तो किया गया है लेकिन आपका जो है उस पर ढलाई नहीं किया गया। नली गली में बहुत सारा पहले से जो है योजना सड़क जो है नहीं के काम बराबरी हुआ था, इसलिए के कहीं जो है जो कि हमारे वार्ड में जो है सब नली गली जो है पक्की हो, इसलिए के कहीं पे अभी PCC भी दे दिए, कहीं से ईटा का जो है सोलिंग भी दे दिए हैं, तो इसलिए कि और जो सोलिंग बचा हुआ है उस पर PCC का भी निर्माण हम लोग दे चुके हैं और बहुत सारा टेंडर में भी गया है। ये जो मैडम आपका जो है रोड लाइट सब चौक चौराहा पे लग चुका है? हाँ, सब सारे चौक चौराहा पे लग गया और लाइट भी अच्छे से सब जल रहा है, जो थोड़ा बहुत पहले से है वो मिस्त्री कल से लगा हुआ है, जो मरम्मती का काम चल रहा है। यानी कि आपके क्षेत्र में आप कब से हैं? हम 2016 से हैं। 2016 से, यानी कि 3 साल से लगभग अपने कार्य को देख रहे हैं। हाँ, 3 साल से। इस 3 साल में आप अपने स्तर से अपने क्षेत्र में आपके अनुसार क्या क्या बदलाव हुआ? बहुत हुआ लेकिन हमसे ज़्यादा तो जनता कहेंगे, क्योंकि मेरे जो वार्ड के जनता वासी है उनसे अगर बेहतर और कौन बता सकता है कि जो कि वो मेरे काम से खुश है, नगर निगम से इतना ज़्यादा काम हो रहा है जो आज तक कभी नहीं हुआ था, जो लाइट हो गया, सड़क योजना हो गया या और सब आगे होने वाला है, नल जल होने वाला है। तो मैडम ये आपका जो जनता है
यहाँ ग्रामीण जो लोग हैं जो कॉलोनी में अलग अलग जगह से आके बस रहे हैं, क्या वो सब आदमी आपसे मतलब आपके ऊपर कभी कुछ कोई धमकी वगैरह ये सब तो कभी नहीं आ रहा है गाँव समाज से ना? नहीं, कभी कोई, और यहाँ के जनता बहुत अच्छे हैं, मेरा हर हमेशा जो है सपोर्ट करते हैं, और उनको भी जहाँ तक जो सुविधा होता है मैं देती हूँ सुविधा, जो 200-250 करीब पेंशन सबको कर चुकी हूँ, सब जो 200-250 जिनको पेंशन की है वो तो खुश हैं ही, किन्हीं को अभी जो है 300 से ऊपर शौचालय दिए हैं, जिनका कि एक आधा किस्त रुका हुआ था, जो कि अभी 10 दिन 15 दिन महीने दिन में सारा आ गया, और किन्हीं का बाकी है वो भी आ रहा है पैसा, और जिन्हीं का किन्हीं के पास जो 2-4 10 नहीं बना है उनको जो है नोटिस भी गया है, लेकिन हर हमेशा मेरा जनता हमेशा साथ देती है। अच्छा, ये मैडम आवास योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आवास योजना का जो है डॉक्यूमेंट सारा चला गया है, वहाँ से जो है हर वार्ड में आवास का आने वाला है, और हम लोग 2016-17 में जो है अभी 25 आवास दिए हैं जो कि बन के तैयार है, अभी बाकी का आवेदन गया है, बाकी का आवेदन गया है, ये कब तक लगभग पास हो जाएगा? वो तो विभाग का चीज़ है, लेकिन वहाँ से हम लोग जानकारी मिली है कि जल्द से 1-2 महीने के अंदर जल्द से जल्द हो जाएगी। ये जो जो भी कारोबार आप जो अभी बताए, इतना सारा काम हुआ है आपके क्षेत्र में, ये शिक्षा का स्तर, ये तमाम चीज़ें आप खुद विजिट करते हैं या किन्हीं से करवाते हैं? नहीं, खुद ही विजिट करते हैं, साफ सफाई हो तो मॉर्निंग में निकलते हैं, यहाँ के सारे जनते से जो अपना एक मैं रजिस्टर रखी हुई हूँ, वहाँ भी जनता सब लोग को भेजते हैं कि आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है सफाई के माध्यम से उसमें आप लोग लिखिए कि क्या आप लोग का शिकायत है, और सुबह में जो है सब सफाई का भी अपना मैं मॉर्निंग वॉक के तौर पर घूम लेती हूँ वार्ड में, और जो बाकी है वार्ड से जनता लोग से मिल भी लेती हूँ कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है उसका मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, इसके अलावा क्या और कुछ आप कार्यकलाप करते हैं? हाँ, वार्ड पार्षद के अलावे भी हम नगर निगम से लेखा समिति अध्यक्ष भी हैं, जो कि वहाँ का आय और व्यय का भी रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ का काम भी अच्छा हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी आप जनता के प्रति और लेखा जोखा जो बताए, तमाम चीज़ें आप खुद इस चीज़ को संभालने में एकदम इच्छुक हैं और कर भी रहे हैं? हाँ, मैं खुद ही इस चीज़ को देखती हूँ, और बीच बीच में ज़रूरत पड़ता है तो मैं अपने लेखा समिति का कमेटी को भी बुलाती हूँ, और वहाँ का सारा वहाँ अपना फाइल देखती हूँ कि कहाँ दिक्कत है क्या है नहीं है सारा देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपको हम दिखाए बेगूसराय के एक ऐसे महिला संजना देवी जो खुद विजिट करते हैं और जनता के प्रति पूरे जागरूक रहते हैं, और जनता भी इनके प्रति जागरूक रहते हैं। 3 साल से अपने पद को ये संभाल भी रहे हैं। यहाँ बेगूसराय से ब्यूरो रिपोर्ट, धीरज कुमार।